IAMTV ओडिसारे आपणको स्वागत आज मु आपणको पाई नैकि आसीछि देश विदेश तथा राज्यर 12 टी गुरुत्वपूर्ण खबर फर्स्ट न्यूज 3 मास हला दरमा पाइनांती नर्स बिल्ला भूमसारर नर्स हल्लाबोल कहिछंती 3 मासर दरमा दाबिले हॉस्पिटल मैनेजर को घेराव करिछंती नर्स माने गत 2014 मसे राज्य सरकारको द्वारा निजुक्त होइतबा जीएनएन माने गत डिसेंबर मास रेगुलर होइतिले निज जीवन को बाजी रखी कोरोना विपक्ष रे लड़ई करतबार ए कोविड योद्धा माने गत 3 मास ल दरमा पाइनांती बोली जणा पड़छि कोविड समय बिना दरमा काम करबा नर्स मन को पै कष्ट कर हेबारु बारंबार विभागीय अधिकारी को दरमा प्रदान पै जणाइथिले किंतु केही न सुनिबार आज शेषर हॉस्पिटल मैनेजर को घेराव करबा स हो हल्ला करथिले नर्स माने परिके हॉस्पिटल अध्यक्ष को मध्य ऑफिस स संभव कर धारणा रे मध्य बसिसंती ता सहित एडीएम ओ ओएस को मध्य किछि समय पै घेराव करथिले उत्तक्त नर्स गण तबे परिस्थिति को नजर रे रखे पुलिस मध्य मुतन होईचंती नर्स मन आंदोलन करथवार चिकित्सा सेवा बाधा मध्य सृष्टि होईची दुई नंबर खबर अगस्त दूर हेबो टीका समस्या देश रे उपलब्ध हेबो 216 कोटी टीका टीका को नै बड़ सूचना दैछंती नीति आयोग सदस्य तथा भीके पॉल आसंता डिसेंबर सुधा 216 कोटी टंका टीका रो टीका उपलब्ध हेबो बोली भीके पॉल कहिचंती या स अगस्त टू डिसेंबर मध्य रे टीका अभाव समस्या दूर हेबो बोली से कहिचंती आसंता अगस्त टू डिसेंबर मध्य रे 216 कोटी टीका देश रे उपलब्ध हेबो एथि स कोविड सीरीज को वैक्सीन स बहु विदेशी कंपनी टीका भी मिलिबो बोली से स्पष्ट भाव रे कहि दैछंती अगस्त डिसेंबर मध्य 75 कोटी कोवैक्सीन बैग्स उपलब्ध हेबो बोली आकलन करा जाउछि कोवैक्सीन 55 कोटी बायोकोटी टीका 30 कोटी टंका 30 कोटी उपलब्ध हेबो बोली आकलन करा जाइछि जायस टीका मध्य 5 कोटी एवं एसआईआई कोवैक्सीन को मध्य 20 कोटी उपलब्ध हेबो बोली कहा जाउछि केवल एतिक नय बरंग बीबी नाजाल वैक्सीन 10 कोटी जेनिभा टीका 6 कोटी उपलब्ध हेबो या स रूस रो टीका स कोवैक्सीन मध्य 15.6 कोटी उपलब्ध हेबो बोली कहिसेंती भीके पॉल या स आसंता सप्ताह स्पोटेनिक भी टीका मार्केट रो मध्य मिलिबार संभावना रहउछि टीका संपर्क रे बड़ सूचना दैछंती भीके पॉल आसंता सप्ताह रे स्कुबाटिन्स भी मार्केट रे मिलिबानी आशावादी बोली से मध्य कहिसेंती या स रूस रो आसुतबा समय संस्कृत संख्या को टीका मार्केट रे मिलिबा संभावना रहइछि बोली श्रीजुक्त पॉल मध्य सूचना दैछंती तीन नंबर खबर लॉकडाउन बेले साइक्लिंग एवं मॉर्निंग वॉक संपूर्ण बना लॉकडाउन रे मॉर्निंग वॉक साइक्लिंग को संपूर्ण मना करछंती लॉकडाउन कटकणा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यही सूचना दैछंती केवल मॉर्निंग वॉक नय बरंग इवनिंग वॉक एवं साइक्लिंग मध्य संपूर्ण बारण करा जाइछि वॉकिंग साइक्लिंग न करबा को लोकन को कहिछंती ट्विन सिटी पुलिस कमिश्नर तथा सोमेंद्र प्रियदर्शी यहाँ सब किसी लोक ये सब देखा जातार देखा जाती या गाइडलाइन उल्लंघन होतबार से कहते लॉकडाउन रो उद्देश्य रास्ता उपर को आसी गहली नकरिबा बोली सीपी स्पष्ट करछंती तेणु लॉकडाउन बेले वॉकिंग एवं साइक्लिंग नकरिबा को कहिछंती सीपी सेपटे कलाबजारी असाधु व्यवसायी प्रति कड़ा चेतावनी देखाइछंती आईन श्रृंखला एआईजीजी तथा अशोबंत जेठवा से कहते कोरोना अत्यावश्यक सामग्री कलाबजार कले कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो कौन से घर हॉस्पिटल अधिक अर्थ नौते तापर मध्य कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली से कहिछंती कार्यानुष्ठान नेबा को 22 टी स्वाइन क्लोज मध्य हो जाइछि वर्तमान सुधा 41 टी मामला रुजु हेबा स 270 जन गिरफ होइछंती एवं 8300 गाड़ी जबत होइतिबा बेले केवल एतिकि नुहे बरं वरिष्ठ नागरिक सुविधा पै हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करा जाइछि चार नंबर खबर प्रेस मीट करे सूचना देले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय देशर कोरोना स्थिति को नै प्रेस मीट करछंती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय स्वतंत्र सचिव तथा लव अग्रवाल सूचना अनुसार वर्तमान समय ओडिशा सह पश्चिमबंग एवं आसाम रे संक्रमण बढ़ुची या सह केरल तमिलनाडु पश्चिमबंग आसाम मणिपुर रे भी बढ़ुची संक्रमण देशर मोट 175 जिला संक्रमण बढ़ी चलता देखा जाउछि बोली कहिसेंती लव या सह कर्णाटक जम्मू काश्मीर गोवा रे संक्रमण प्लोटो रहिची देशर 20 राज्य तथा यूटी रे संक्रमण प्लोटो रहिची बोली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना दैछंती तेबे आज देशर कोरोना संक्रमण हार सामान्य कमिथिबा बेले मृत्यु संख्या मध्य चिंता रे पकाई दैछि गत 24 घंटा मध्य देशर मोट 362,348 टी नूतन मामला रुजु होईछि देशर कोविड मृत्यु मामला 400,000 रु अधिक रहिछि बुधवार दिन मध्य देश में 4,117 जन रोगी कोविड 19 जो प्राण हर तेज आश्वस्तिर खबर है 351,740 जन रोगी सुस्थ हो घर को फेरी एथस राजधानी दिल्ली संक्रमित संख्या क्रमगत भाव वृद्धि पाऊँगी पांच नंबर खबर पुलिस देखा महानता दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को सजाड़ा विभिन्न राज्य को अक्सीजेन पठाई ओडिशा देशर संकट मोचक साधी बेले ओडिशा पुलिस सक्रियतार सह अभियान को सफल रूप देवे लगी सूचना अनुसार विजयवाड़ा को ऑक्सीजन नहीं जाऊथवा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होगा पर पुलिस ओडिशा पुलिस तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर यह गंतव्यस्थल को छाड़ी देछि अनुगुल जिला बरपाल निकट गाड़ी हठात दुर्घटनाग्रस्त हो पड़ा तेज अनुगुल पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची गाड़ी को उद्धार करने
ମେକାନିକ ଡକାଇ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ବିଜୟବାଡ଼ାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 8 ଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବୋଝେଇ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର ହିନ୍ଦୋଲ ଏବଂ ମାଙ୍କି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବି ଓ କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରି ତୁରନ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 633 ଟ୍ୟାଙ୍କର ପୁଲିସ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଇଥିବାରେ ଦେଶର 12 ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ତଥା ଜସ୍ମେଣ୍ଟ ଜେଠବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ ଠାରୁ ଯୋଗାଣ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। 6 ଖବର, 6 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନ ସୁଧୁରିରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଆହାର 12,000 ଥିବାବେଳେ ଏବେ 10,000 ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଟକଣା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନି ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 19 ଭିତରେ ନିୟମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସିଲା ତେବେ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 10,000 ଉପରେ ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। କିଛି ଦିନ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ଆଜି 11,000 ନିକଟତର ହୋଇଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ରାଜ୍ୟରେ 10,643 ଜଣ ନୂତନ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 557,273 ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 1,00,000 ନିକଟର ହୋଇଛି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 7 ଖବର, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ 550 କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ 550 କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ 550 ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 550 ଶଯ୍ୟା ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 7 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଯାଏଁ କୋଭିଡ୍-19 ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 140 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି। ସେପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଉପରେ ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ଆଜି 11,000 ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ରାଜ୍ୟରେ 10,643 ଜଣ ନୂତନ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 557,275 ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୀ 19 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,251 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୈନିକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଲେଖାଏଁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଜନସାଙ୍ଗୀପ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 1 ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 8 ଖବର, 3 ସୁପରିଟେଣ୍ଟକୁ ବଦଲି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। 3 ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଲି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜେଲ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାରିଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ବଦଲି କରାଯାଇଛି। ଏଥିବାବେଳେ ପୁରୀ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ବଦଲି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉର୍ମିଲା ମଞ୍ଜିଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ବଦଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବା BMC ର କମିଶନର ବଦଲି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1999 IAS ଅଧିକାରୀ ତଥା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ BMC କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ BMC କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର OSD ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ BMC କମିଶନର ସହ BDO ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର CEO ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଏବେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ EDO CDMଙ୍କ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବାର ସେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 9 ଖବର, କରୋନାରେ ପ୍ରଭାବିତ 100 ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦେଶର 100 ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେହି 100 ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। May 18 ଏବଂ 20 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଚରଣରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ 9 ରାଜ୍ୟର 50 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକରେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ 10 ଜିଲ୍ଲାର 55
जिलापा भर्चुआल बैठक करेंगे नरेन्द्र मोदी। कोरोना संक्रमण को बर्तार उपाय टीकाकरण और टीकाकरण को नहीं प्रधानमंत्री मोदी आलोचना करेंगे। कोरोना संकट प्रथम थर पर मोदी जिलाधिकारी कथा एवं सुधा मोदी राज्य मुख्यमंत्री कथ हो बहुबार आलोचना हो सारी। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष जारी सद्य रिपोर्ट अनुसार देशर 10 राज्य 62% को अधिक केन्द्र संक्रमण चिन्हट होती। यह सब राज्य मध्य महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्णाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंग और राजस्थान रही। 75% मृत्यु 10 राज्य हो। भारत में गत 24 घंटा मध्य 362,772 जन नूतन कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले 4,120 जन मध्य प्राण हर। 10 नंबर खबर, पश्चिमबंगे बीजेपी सब निर्वाचित विधायक को जोगाई दीजिए केंद्रीय सुरक्षा। पश्चिमबंगर राजनैतिक छवि द्रुतगति में बदिवार लगी। राज्य में भोट गणना पर हिंसा व्यापार जगू बीजेपी केन्द्रीय नेतृत्व राज्य समस्त निर्वाचन पराजित बीजेपी नेता सुरक्षा उपर प्राथमिकता देउची। एपरिक नेता केन्द्र सुरक्षा जोगाई देवा बीजेपी तत्परता एवं राज्य राजनीति उपर प्रभाव पकाई। राज्य विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी समेत 16 जन बीजेपी नेता पूर्व जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करी। नेता सुरक्षा कड़ाकड़ी करने योजना करे शासक टीएमसी राज्य आईन श्रृंखलार केन्द्र यह अधीन कार हस्तक्षेप बोली। तेज केवल टीएमसी नुहे राज्य बीजेपी गोटे गोष्ठी यहाँ भूल बार्ता देखते। निर्वाचन परवर्ती हिंसार ग्राउंड जीरो रे रही काम करुवा कर्मी और नेता अधिक विपद अच्छी। तेज केन्द्र सरकार केवल निर्वाचित विधायक और पराजित प्रार्थी सुरक्षा उपर नजर देवार अभोग होती। असल कथा है कि भिन्न बोली से चर्चा होती। राज्य विधानसभा निर्वाचन लड़वा लगी बीजेपी निर्भरजोग्य प्रार्थी नए निर्वाचन बैतरणी पार होगापी लगी विभिन्न दल लोकप्रिय नेता दल को भिड़ी नहीं थे। निर्वाचन बीजेपी जोपर भाव आशा रखी और जपरी प्रचार करपरी फलाफल आसी नहीं। बेंगल में बीजेपी निर्वाचित विधायक मध्य अधिकांश दल को डक नेता अच्छा एणु निर्वाचन परवर्ती परिदृश्य यही नेता दल प्रति धोखा करेक संभावना रही। एणु केन्द्र सुरक्षा बाहर से स्वच्छता अपहरण लगे केन्द्र नेतृत्व एक चाल हो पारे बोली मध्य कहा जाउछि। 11 नंबर खबर, कोरोना रे मृत्युवरण करथा व्यक्ति को पिलांको मिलिबो मासिक 5000 टंका रे पेंशन। कोरोना प्रभावित परिवार को पई मध्य प्रदेश सरकार बड़ घोषणा करछंती। राज्य रे कोनसे पिलांको बापा कोरोना रे मृत्युवरण करथिले परिवार केहि रोजगारक्षम नथिले मासिक 5000 टंका लेखाए पेंशन दिया जिवो। एही बोली पिलांको मागणा शिक्षा दिया जिवो बोली कहिछंती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहा सह से कहिछंती योग्यता नथिले भी एही परिवार को मागणा राशन दिया जिवो। जदि एभली परिवार स्वामी देहांत होइछि एवं स्त्री किसी कार्य करने को चाहते तेज बिना सुधर सरकारी ग्यारंटी ऋण मिले। देशर कोरोना संक्रमण बढ़िता मृत्यु संख्या वृद्धि पाइब। गत 24 घंटा मध्य सर्वाधिक 816 जन मृत्यु महाराष्ट्र होता है। कर्णाटक 516 जन कोरोना प्राण हर। उत्तर प्रदेश 326 जन, दिल्ली 300 जन, तमिलनाडु 290 जन, पंजाब 129 जन, हरियाणा 175 जन, राजस्थान 160 जन, छत्तीसगढ़ 150 जन, पश्चिमबंग 135 जन, उत्तराखंड 109 जन, गुजरात 209 जन लोक जीवन नहीं जाइए कोरोना। 12 नंबर खबर, राजनैतिक धार्मिक कार्यक्रम भी भारत में बढ़ाई कोरोना संक्रमण यह कहते डब्ल्यूएचओ। कोरोना भाइरस द्वितीय लहर भारत में तार काय विस्तार कर चली। प्रतिदिन लक्षाधिक लोक संक्रमित चिन्हित होता बेले हजार हजार लोक जीवन जाऊँगी। समय विश्व स्वास्थ्य संगठन व डब्ल्यूएचओ कही भारत स्थित को नहीं हो आकलन जमापड़ी देश में कोविड 19 मामला वृद्धि पर अनेक संभाव्य कारण दायी रही। सेथिपाई विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम में बहु संख्यार लोक एकजुट होवार सामिल रही जोपाय लोकों मध्य मिलामिशा वृद्धि पाई। डब्ल्यूएचओ बुधवार दिन प्रकाशित महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक कोविड 19 अपडेट रिपोर्ट में कही भाइरस बी 1.6617 स्टोन प्रथम मामला अक्टोबर 2020 सामना को आसीला। एथुजाय भारत में कोविड 19 बढ़ुता मामला और मृत्यु भाइरस बी 1.6.2 स्टोन समेत अन्य स्टोन गुरुत्वपूर्ण भूमिका पर प्रश्नवाची सृष्टि करछि। एही रिपोर्ट रे कहा भारत स्थित को नहीं निकट में कहु एक आकलन जमापड़े देश में कोविड 19 मामला वृद्धि और पुनरुद्धान पर अनेक संभाव्य कारण दायी रही। एसीआरसी कोविड 19 टू विभिन्न प्रसारण एक भूमि गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। सेपटे विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम विशाल समावेश लोकों मिलामिशा वृद्धि पाई। यह व्यतीत जनसंपर्क और सामाजिक उपाय अवलम्बन न करने
ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଭାଇରସ ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏସବୁ ଦାୟୀ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ କେତେ ଦାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ରାଶିଫଳ ଓ 7ଟା ସକାଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।